हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है झटपट बनाएंगे हम घर पर बर्फी। बर्फी हम घर पर कैसे जल्दी बना सकते हैं वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में अब हम 1 कप हमने दूध ले लिया है वो डाल देंगे। गैस को आप सिम कर दीजिए अभी। ये 2 चम्मच के आसपास घी है हम वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देसी घी लिया है इसमें हमने, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी तक हमने 1 कप दूध में 2 चम्मच के आसपास देसी घी मिलाया है। जब हमने इस सबको मिला लिया अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। पांच से 6 चम्मच के आसपास आप चीनी मिला दीजिए इसमें। अब मैंने इसको मिला लिया है अच्छे से। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आप ऐड करिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। आप पहले थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो गैस है आप हाई फ्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल रही हूँ मैं इसमें और इसको मिला लेंगे। मैंने 1 से 1.25 कटोरी मिल्क पाउडर इसमें डाला है। 1.5 कटोरी भी चली जाएगी इसमें, आप देख लीजिएगा आपका जितना जाए इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो 1 कटोरी दूध में हमने साथ में 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर डालना है और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप हिलाते रहें इसको। साइड साइड से उतारते रहें साथ में। इसको करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें, हिलाते रहें साथ साथ। ये जो बर्फी हम बना रहे हैं वो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल बाजार जैसे आपको लगेगी, बाजार जैसा स्वाद आपको घर पर मिलेगा। शुद्ध देसी आप खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं
सब छोड़ने लग गया है। ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, मैंने अपने हाथ में देसी घी ले लिया, इसको हम अच्छे से हर जगह लगा लेंगे, जिससे कि हम जब निकालें तो आराम से निकल सके। अब हम इसमें अपना ये बैटर जो हमने बनाया है बर्फी का, वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से सब जगह फैला दिया है। आप चाहे तो बटर पेपर का यूज कर सकते हैं, जहां मैंने घी की जगह बटर पेपर का यूज कर सकते हैं। और इसको अब हम 20 से 25 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है। आप पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर आप थोड़ी देर फ्रिज में इसको रख दीजिए। 20 से 25 मिनट में ये बनकर आपको तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको 20 से 25 मिनट बाद दिखाऊंगी। तो ये मैं फ्रिज निकाल के ले आई हूँ, अब मैं इसे काट लूंगी। बहुत आराम से बाहर निकल आया है, ऐसे ही मैं सारे निकाल लूंगी। तो मैंने इसका जो आकार है वो छोटा दिया है, छोटी छोटी काटी है बर्फियां। अगर आप चाहें तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जैसा आकार देना चाहते हैं काट सकते हैं। मैंने छोटी चकोर में काटी है, आप चाहें तो जैसे काट सकते हैं। मैंने इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल आराम से निकल आई है, देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।